कोटा और आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों से डबल नोट करने, चावल से नोट बनाने, सोने की ईंट बनाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगने वाले और फरार बाबा मांगीलाल मेघवाल का कोटा पुलिस तलाश कर रही है। कोटा जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा मांगीलाल मेघवाल की पुलिस तलाश कर रही है। उसका सवाई माधोपुर में रहने का पता चला, लेकिन वहां से भी फरार हो गया। जिसके घर में बाबा रहा करता था उसको पुलिस ने पकड़ा है, उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही तकनीकी अनुसंधान के जरिए बाबा को गिरफ्तार करने में पुलिस टीम जुटी हुई है। इटावा थाना में हमारे एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें रुपए दुगने करके करने का झांसा देकर और उनसे लाखों रुपए ठग लिए। इस पर मुकदमा दर्ज करके जब इस बारे में तफ्तीश की गई तो पता चला कि मांगीलाल मेघवाल है जो कैथून एरिया का रहने वाला है और पिछले काफ़ी समय से वो इसी तरह के कामों में है और अपना जगह वो बदलता रहता है बार बार। और ऐसे ही लोगों उसकी मॉडल्स ऑपरेंडी यही है कि वो जो गरीब तबके के या मिडिल क्लास लोग हैं उनको अपना शिकार बनाता है। और आजकल वो रह रहा था सवाई माधोपुर में। हमारी टीम ने जब इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन किया तो दो लोग कैथून के थे जो इसके साथ शुरू से हैं और लोगों को झांसा देकर इस तक लाते थे, फिर ये उनको बरगलाता था और जादू टोना दिखाकर, कुछ ट्रिक्स आती हैं इसको उन ट्रिक्स के आधार पर, और कुछ लोगों को हजारों रुपए डबल करके भी दे देता था और उनसे लाखों रुपए ले जाता था और वहाँ से जगह छोड़ देता था। इस तरह की मॉडल्स ऑपरेंडी इसकी रही है हमेशा से।